बेल हो गई है, तो इनके लिए मैं एक शेयर बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, कब से आंखें बिछाए बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। वाह वाह, कब से आंखें बिछाए बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में, हजूर आते आते बहुत देर कर। वाह गालिब, वाह क्या शेर है। ये है 1 मिलियन सब्स वाले। इतनी इज्जत मेरी मम्मी ने मुझे बख्शी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिंपल्स किचन। तो डिंपल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बनाने वाले हैं केक, क्योंकि आज प्रेरणा के 1 मिलियन सब्स हो गए हैं, तो आज हम उसके लिए बनाने वाले हैं फ्रूट जेली केक। तो चलिए देखते हैं फ्रूट जेली केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रूट जेली केक बनाने के लिए मैंने लिया है खरबूजा, पपीता, पाइनएप्पल, कीवी, तरबूज, लीची, चेरी और मैंगो। चीनी मैंने कोकोनट मिल्क लिया है, कैच का फ्लेवर्ड सोडा, ना हो तो लीची जूस भी ले सकते हो। और मैंने लिया कीवी क्रश। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये जेलेटिन है मेरे पास, तो ये केक को सेट करने में हेल्प करेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप पानी डालेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जेलेटिन, 1/2 चम्मच। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। जेलेटिन को अच्छे से डिजॉल्व करना हमने पानी में, मोटे मोटे दाने नहीं रहने चाहिए। ये बिल्कुल मिक्स हो गई है पानी में। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी और चीनी को भी मिक्स कर लेते हैं। अब पानी में हमने जेलेटिन और चीनी डाल दी। अब इसको हम एक बॉयल दिलवाएंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए इसमें। पानी में उबाल आ गया है, अब इसको बंद कर देते हैं। पानी हमारा ठंडा हो गया है। अब ये कैच का जो सोडा लिया है, 1 कप सोडा हम पानी में मिक्स कर देते हैं। अब 1 चम्मच अपने केक वाले टिन में, जिसमें हमने केक बनाना है, इसमें स्प्रेड कर देते हैं। ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया पानी। अब ये फ्रूट जो हमने लिए, धीरे धीरे करके इनमें डाल देंगे। ऐसे फेंकने नहीं है, जैसे कोई चीज हम डेकोरेट करते हैं ना, वैसे ही करना है इसको, ताकि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो सारे अलग अलग दिखाई दें। ये फ्रूट्स हमने इस पे अच्छे से स्प्रेड कर दिए, एक एक फ्रूट नजर आ रहा है इसमें। अब ये जो बाकी हमने पानी बनाया है, ये इसमें डाल देंगे। अब ये जो पानी हमारे पास बचा है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो ये फर्स्ट लेयर हमारी रेडी हो गई। अब इसको हम थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपना दूसरी लेयर तैयार करते हैं। सेकेंड लेयर हम बनाएंगे वाइट, और ये बनेगी कोकोनट मिल्क से। और इसमें हम जेलेटिन की जगह अगर अगर पाउडर डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक पैकेट में मुश्किल से 2 ही चम्मच निकले हैं, इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। इसको 5 मिनट लगेंगे सेट होने में। अभी इसको रख देते हैं। पैन में डालते हैं कोकोनट मिल्क, इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी। अब इसको बॉयल दिला देते हैं, तब तक गर्म करेंगे जब तक कि चीनी इसमें डिसॉल्व ना हो जाए। एक बॉयल आने पे हम गैस बंद कर देंगे, इतने में चीनी डिसॉल्व हो जाती है। और अगर अगर पाउडर हमने बिल्कुल उबलते हुए दूध में नहीं डालना, इसको हम पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे करेंगे। उसके बाद हम जब थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा दूध हमारा, तो फिर हम अगर अगर पाउडर इसमें मिक्स कर। तो दूध गर्म हो गया, उबाला आ गया, गैस हम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूध हमारे ठंडा हो गया, अब इसमें हम ये अगर अगर पाउडर जो हमने पानी में डिसॉल्व करा, ये इसमें डाल देते हैं। ये देखो एकदम अच्छे से जेली टाइप बन गया। अब इसमें मिक्स करेंगे।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो हमने फर्स्ट लेयर बनाई थी ये ऐसे सेट हो रही है। अब हम ये दूध इसमें डालेंगे, लेकिन आपको सीधा नहीं डालना, डायरेक्ट मत डालना, नहीं तो जो फ्रूट हमारा फर्स्ट लेयर जम रही है ना वो खराब हो जाएगी। तो ये स्पैचुला की हेल्प से मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे। अब हम इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। ये सेकेंड लेयर भी हमारी कंप्लीट हो गई, अब इसको हम छोड़ देते हैं सेट होने के लिए और थर्ड लेयर बनाते हैं। अब थर्ड लेयर हम ग्रीन कलर की बनाएंगे। मैंने कीवी क्रश लिया, अगर आपके पास कीवी क्रश ना हो तो आप रू अफजा या फिर रोज, कुछ भी जो भी आपकी चॉइस हो कलर की आप वही ले सकते हो। तो हम सबसे पहले हम आधा कप पानी लेंगे और इसमें अब थर्ड लेयर में हम फिर से जेलेटिन डालेंगे। 2 चम्मच जेलेटिन डाला मैंने। जेलेटिन को फॉर्म होने के लिए 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो अब हम इसको रख देते हैं। अब पैन में 2 कप पानी डालेंगे। 2 कप पानी लिया हमने, इसमें हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे। 2 कप पानी में 3 चम्मच चीनी। अब इसको भी हम गरम कर लेते हैं। स्क्वैश हम बाद में डालेंगे, पहले हम पानी गरम करेंगे। एक बॉइल दिलाएंगे जब तक कि चीनी इसमें डिजॉल्व ना हो जाए। पानी बॉइल हो गया, गैस हम बंद कर देते हैं और इसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये चीनी वाला पानी हम एक खुले वाले बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, तो गर्मी इतनी है ना, चीजें जल्दी ठंडी भी नहीं होती। अब पानी हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम कीवी क्रश डालेंगे। इसमें मैंने 2 बड़े वाले चम्मच मैंने डाले हैं इसमें। अभी भी थोड़ा सा और ठंडा हो जाए फिर हम इसमें जेलेटिन डालेंगे। अब पानी हमारा ठंडा हो गया, इसमें अब ये जेलेटिन डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब थर्ड लेयर बना लेते हैं। इसको भी हम स्पैचुला की हेल्प से डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो ये वाली लेयर जो है वो टूट जाएगी। अब ये हमने जो कीवी वाला पानी बनाया, अब इसके ऊपर हल्के हल्के से पोर कर देते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे ताकि नीचे की जो लेयर है वाइट वाली वो टूटे ना, तो ऊपर ऊपर रहना चाहिए पानी। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे। इसको सेट होने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे लगे। जेली केक है ना, थोड़ा टाइम लगता है इसको सेट होने में। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ऊपर तक भर गया। तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं। ये देखिए केक कितने अच्छे से सेट हो गया हमारा। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। ऊपर ट्रांसपेरेंट, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन कलर आ रहा है। अगर इसने मुझे मोटिवेट ना करा होता कि वीडियोस बना तो आज मैं वीडियोस नहीं बना पाती ना, ही 1 मिलियन होते। पर अगर तू ना होती तो मैं भी यूट्यूबर ना होता। या हम दोनों एक दूसरे के साथ मतलब वीडियोस बना लेते। जीजू सबसे इम्पोर्टेंट है। जीजू सबसे इम्पोर्टेंट है राइट। तो अगर केक की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।